और इसी बीच विशेष सत्र की शुरुआत से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। संसद के नए सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। विपक्षी गठबंधन का ये आरोप है कि सरकार ने बगैर एजेंडा बताए इस विशेष सत्र को बुलाया, जिसके बाद विपक्ष ने इस बात की आशंका जताई है कि सरकार उनसे कुछ छुपा रही है। एक तरफ देश नए संसद भवन से संसद के स्पेशल सेशन की शुरुआत का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। 18 सितंबर इस तारीख को नए नवेले संसद भवन का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां से आने वाले वक्त में देश से जुड़े तमाम फैसले लिए जाएंगे। इस मौके पर एक दिन पहले तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं की एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 34 पार्टियों के 51 नेताओं ने शिरकत की। लेकिन विपक्ष ने इस मीटिंग के खत्म होते ही सरकार की नीयत पर निशाना साधना शुरू कर दिया। So we want to ask them what is the agenda, it should be clearly told to the public and to the parliamentarian. और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सीधे सीधे आरोप मढ़ दिया कि सरकार ने चुनाव में फायदे की मंशा से नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत की घोषणा कर दी। उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन पर रोशनी डालना है कि इलेक्शन का रुख मोड़ने के लिए और ताकि पब्लिक उनकी तरफ रुजू हो जाए, तो ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इससे मैं समझता हूँ इससे फ़ायदा उन्हें होने वाला है नहीं। सांसद जी, इस जो विशेष सत्र है इसमें यही समझता हूँ कि ये सब धोखा है और जो कुछ भी इसमें करना चाहते हैं इसके पर्दे के पीछे कुछ और है। इस मामले में आईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो शफीकुर रहमान बर्क से भी दो कदम आगे जाकर बीजेपी पर हर चीज का इवेंट बनाने का आरोप लगा दिया। मतलब उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी चाहे जो भी करे वो उसका ढोल पीटने से नहीं चूकती। बीजेपी का नाम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट तो उनको बहुत अच्छा आता है, तो वो देश को इवेंट मैनेजमेंट तरह चला रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि रोजगार में नाकाम साबित हुए। इवेंट मैनेजमेंट चला रहे हैं भारत मंडपम में, मगर पेट्रोल डीजल आसमानों पर छू रही है, तो बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत जबरदस्त है। हालांकि खबर है कि सर्वदलीय बैठक के बाद ज्यादातर राजनीतिक दलों ने नए संसद भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने पर हामी भरी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे नई शुरुआत बताते हुए लोकसभा स्पीकर से उनकी और उन्हीं की पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल करने की मांग भी की। मुझे और राघव चड्ढा को, दो सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है वो बहाल किया जाए, क्योंकि अगर नए सदन में, नई संसद में हम लोग जा रहे हैं तो बड़े मन से नई शुरुआत करें। ये बात लगभग सभी दलों ने एक स्वर में सरकार के सामने रखी। नए संसद भवन में होने वाले स्पेशल सेशन की शुरुआत आज से हो जाएगी, जिससे पहले तमाम बड़े राजनेताओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से कई अहम मुद्दों पर चर्चा टल गई। हर सत्र महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसद में आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं चाहता हूं विपक्ष के लोग उसमें चर्चा में भाग लें, दुम दबाकर भागे ना, क्योंकि पहले जो पिछला सत्र हुआ उसमें अधिकतर दिन तो उन्होंने खराब किए थे बायकॉट कर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी, कपिल सिब्बल समेत कई विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम में ना पहुंचने पर बयान दिया। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सके,
और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। उस गर्व की अनुभूति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती, इसका जवाब गांधी खानदान के पास है, मेरे पास नहीं। जिन कांग्रेसी वकीलों ने देश की कोर्ट में दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उनके मुख से प्रभु के मंदिर के ऊपर विश्लेषण शुभा नहीं देता। कि 2019 में अकेले नहीं लड़े थे राहुल गांधी, हर विपक्षीय पार्टी के गठबंधन के वो कैंडिडेट थे। गठबंधन भाजपा का लोहा आजमा चुकी है, हार चुकी है। भाजपा राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के सिटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा चुकी है, तो क्योंकि हम कर चुके वो इतिहास,